Now next ही program counting total digits in a given array. मिस अगर आपको सपोज कोई भी एरे अवेलेबल है, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, सभी नंबर्स के डिजिट्स का आपको जस्ट सम कैलकुलेट कराना. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग सम इंटीजर एरे विद मैक्स साइज इज 100. इस केस में एजुम कर लो इस एरे का साइज क्या 100 और दिस एरे कंटेन्स 100 एलिमेंट्स. फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या रहेगा? जस्ट 0. एरे नेम इज ये. देन इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, 3, 4 एंड सो ऑन. इसका केस में एरे के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हैं? मैक्सिमम साइज क्या 100, लेकिन लॉजिकल साइज क्या n, और n का वैल्यू अगर 5 है देन लॉजिकली एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने मैनेज करोगे? 5 एलिमेंट्स. सपोज दैट इस केस में एरे के अंदर एलिमेंट्स एंटर करा है लाइक 1. सेकंड केस में क्या है? एलिमेंट वैल्यूज 23, देन 4, 35, देन नेक्स्ट केस में एलिमेंट क्या लाइक 1, 2, 3, 4 एंड फाइनली 4, 5 और 3, 1, 2, 9 लाइक दैट. इस टाइप से आपका कोई भी एरे अवेलेबल है, इसे एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स के डिजिट्स का सम आपको कैलकुलेट कराना. फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ए ऑफ 0, और ए ऑफ 0 के अंदर एलिमेंट क्या है? 1. 1 के अंदर डिजिट्स मीन्स 1 इटसेल्फ कितने डिजिट्स हैं? सपोज दैट इस 1 के प्लेस में यूज करूं 5, मींस 5 काउंट हो गया जाए 1 डिजिट. तो ए ऑफ 0 में कितने एलिमेंट्स हैं? जस्ट 1 डिजिट. सेम एज नेक्स्ट एलिमेंट ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 के केस में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 2 डिजिट्स. नेक्स्ट वन ए ऑफ 2, सेकेंड इंडेक्स में नंबर ऑफ डिजिट मीन्स जो भी एलिमेंट वैल्यू है इसके अंदर डिजिट्स कितने फाउंड हो? 3. सेम एज ए ऑफ 4 के केस में डिजिट्स कितने? ए ऑफ 3 के केस में डिजिट्स कितने हैं? 4, देन अगेन 4. तो टोटल डिजिट्स की बात करें तो टोटल क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 3 इज 6, 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 4 इज 14. तो इस केस में एक्सपेक्टेड काउंट क्या रहा? जस्ट 14 डिजिट्स. मीन्स दिस एरे कंटेंस 14 डिजिट्स. दिस इज योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट. इस ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए जस्ट मैं सेपरेटली यूजर डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा हूँ. इस फंक्शंस के अंदर जस्ट मैं फंक्शन के लिए नेम प्रोवाइड करूंगा एज अ डिजिट काउंट. फंक्शन नेम इज वी आर यूजिंग. सपोज दैट मैं राइट डाउन की लाइक दैट सी इक्वल टू काउंट, सी इक्वल टू डिजिट काउंट. डिजिट काउंट में वो एरे पास करो जिसके अंदर आपको डिजिट्स के सभी एलिमेंट के डिजिट काउंट कराना है प्लस साइज ऑफ एरे लाइक दैट. इस टाइप से कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करें, इस केस में फंक्शन के रिस्पेक्ट में जस्ट फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज क्या करें? रिटर्न क्या हो? काउंट वैल्यू. काउंट किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. देयरफॉर वी आर यूजिंग इंटीजर टाइप ऑफ. नेक्स्ट वन फंक्शन नेम वी आर यूजिंग डिजिट काउंट. डिजिट काउंट क्लियर. देन फर्स्ट आर्गुमेंट क्या पास हो रहा है इस केस में? इंटीजर एरे, और एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. तो एड्रेस को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हो? पॉइंटर वेरिएबल. सेकेंड आर्गुमेंट साइज ऑफ एरे. साइज स्टोर कराने के लिए उन्हें क्रिएट करा है वेरिएबल नेम एस एन. नेक्स्ट वन ओपनिंग ऑफ बॉडी. इन बॉडी सेशन जस्ट आपको परफॉर्म क्या करना है? एरे के सारे एलिमेंट आपको विजिट करना है प्लस एट एनी टाइम एरे एलिमेंट रिप्रेजेंट किससे होगा? इनसाइड लूप ए ऑफ आई. ए ऑफ आई फर्स्ट टाइम क्या रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट एलिमेंट. सेकंड टाइम क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेकंड एलिमेंट. थर्ड एलिमेंट एंड सो ऑन. इन दैट केस एवरी टाइम आपको परफॉर्म क्या कराना है? मिस जस्ट डिजिट्स को काउंट कराना है. तो इस केस में डिजिट्स किसके लिए काउंट कराना है? एवरी टाइम एरे मीन्स जो भी एरे है उसे एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है ए ऑफ आई. ए ऑफ आई के लिए जस्ट परफॉर्म क्या कराओगे? काउंट ऑपरेशन. एवरी टाइम डिजिट किसके लिए काउंट करेंगे? ए ऑफ आई के लिए. तो ए ऑफ आई में जितने भी डिजिट्स हैं रिटर्न क्या करेगा? सम ऑफ ऑल डिजिट्स. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, फर्स्ट केस में डिजिट कितनी है? 1. तो रिटर्न क्या हुआ? 1. सेकेंड केस में अगर सेम फंक्शन कॉल करो तो उसमें ए ऑफ आई का वैल्यू क्या पास हो? 23. इससे रिटर्न क्या हुआ? वैल्यू एज 2. तो एवरी टाइम जस्ट राइट डाउन क्या करो? सी इक्वल टू मीन सी मीन्स काउंट. काउंट इक्वल टू काउंट प्लस न्यू काउंट लाइक देर. तो इसका जो भी मीन्स फर्स्ट टाइम सी के रिस्पेक्ट में आता है सी का इनिशियल वैल्यू क्या यूज करोगे? 0. स्पेस पर क्या सी प्लस फर्स्ट टाइम ए ऑफ आई में क्या पास होगा? ए ऑफ 0. और ए ऑफ 0 का वैल्यू क्या है? जस्ट 5. तो 5 पास होगा. 5 में डिजिट्स कितने हैं? 1. तो रिटर्न क्या होगा? जस्ट 1. 0 प्लस 1 बिकम्स 1. 1 किस में आसान हो जाएगा? अगेन काउंट में. नेक्स्ट टाइम अगेन फिर से ए ऑफ आई रिप्रेजेंट करेगा नेक्स्ट एलिमेंट. क्लियर मीन्स 1 इंडेक्स. अगर आई का वैल्यू 1 है तो 1 इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा है? 23. तो इस फंक्शन में पास किया जस्ट 23. और 23 में डिजिट्स कितने? ओनली 2. प्लस सी का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है? 1. 1 मीन्स प्रीवियस डिजिट्स.
प्रीवियस डिजिट कितने थे 1, करंट डिजिट कितने थे 2, टोटल क्या हुआ 3, इसका सम भी क्या रहा 3, 3 अगेन किस में आसान हो जाएगा वेरिएबल सी में, तो सी का न्यू वैल्यू क्या हुआ 3, इसका मतलब क्या है, इसे इनिशियली आप एरे के 2 एलिमेंट्स के डिजिट्स काउंट कर चुके, देन नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या जाए 2, ए ऑफ 2 में क्या फाउंड हो रहा 435, काउंट फंक्शन में क्या पास हो जाएगा 435, काउंट एज्यूम कर लो सम यूजर डिफाइंड फंक्शन, जस्ट इसको भी इंप्लीमेंट करें सेपरेटली, इसका वर्किंग ये आपको ऑलवेज रिटर्न क्या करेगा नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल इनसाइड गिवन एलिमेंट, तो इसके इसमें डिजिट्स कितने 3, तो रिटर्न वैल्यू क्या होगा 3, इसके अंदर डिजिट्स कितने 1, 2, 3 प्लस प्रीवियस सम, प्रीवियस एलिमेंट्स के अंदर कितने डिजिट्स थे 3, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल इसमें सी में, इसलिए स्पेस पर सी का वैल्यू आएगा 3, 3 प्लस 3 6, चेक करो अभी तक आप 3 एलिमेंट के डिजिट काउंट कर चुके, बिगिनिंग 3 एलिमेंट में टोटल डिजिट्स कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, नेक्स्ट टाइम होगा करंटली काउंट का वैल्यू क्या 6, नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 3, तो आई नेक्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट टाइम काउंट फंक्शन में क्या पास होगा ए ऑफ आई के केस में 1, 2, 3, 4, इस नंबर में टोटल डिजिट्स कितने 4 डिजिट्स, रिटर्न क्या होगा 4, इस करंटली इस नंबर में कितने डिजिट्स फाउंड हुआ 4 प्लस प्रीवियस डिजिट्स कितने 6, जो कि ऑलरेडी किस में काउंट वेरिएबल, तो काउंट के प्लेस पर क्या है 6, मीन्स प्रीवियस डिजिट्स का सम करंट नंबर के डिजिट्स का सम टोटल क्या रहा 10, 10 किस में आसान हो जाएगा काउंट में, तो नेक्स्ट टाइम काउंट की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर जस्ट 10, अगेन फिर से आई प्लस प्लस होगा तो आई की आई नेक्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे, तो नेक्स्ट टाइम जो एलिमेंट क्या 3, 1, 2, 9, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने 4 प्लस प्रीवियस जो भी आप डिजिट्स का सम कैलकुलेट कर चुके हो ऑलरेडी किस में काउंट में वैल्यू क्या 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इज द सम ऑफ ऑल प्रीवियस एलिमेंट्स और सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑल प्रीवियस एलिमेंट विच इज 10 प्लस करंट एलिमेंट क्या है 4th इंडेक्स, इसके अंदर डिजिट्स कितने 4, तो टोटल सम क्या आ रहा है इसके जस्ट 14, नेक्स्ट टाइम काउंट का वैल्यू क्या हो रहा है 14, इसके जस्ट आधा एरे में फर्दर कोई एलिमेंट फॉर्म नहीं हो रहा है, इमीडिएटली इस फंक्शन से रिटर्न क्या कराओ वैल्यू ऑफ सी, फाइनली सो ऑफमी से पर्टिकुलर रिजल्ट किस प्लेस पर रिटर्न होगा कॉलिंग प्लेस, तो स्पेस पर इस कॉलिंग प्लेस पर क्या आएगा 14, इस फंक्शन को कॉल कहाँ कराएंगे इनसाइड मेन समथिंग लाइक दैट, तो आपको टोटल 2 फंक्शन क्रिएट कराना है काउंट एंड डिजिट काउंट, डिजिट काउंट का वर्किंग क्या 1 by 1 सारे एलिमेंट्स को विजिट करना और काउंट को मैनेज कराना, क्लियर इज दैट ऑपरेशन, लेकिन काउंट फंक्शन का वर्किंग क्या रहेगा ओनली सिंगल नंबर के डिजिट्स काउंट करना, मीन से डिजिट काउंट सारे के सारे एरे एलिमेंट्स के लिए काउंट ऑपरेशन परफॉर्म कराया जबकि काउंट ओनली इंडिविजुअल नंबर्स के लिए काउंट ऑपरेशन परफॉर्म कराया, तो सबसे पहले मैं परफॉर्म कर रहा हूँ डिजिट काउंट, डिजिट काउंट में आपको ऑपरेशन ऑल एलिमेंट्स के लिए परफॉर्म कराना है, तो इसके लिए आपको जस्ट मैनेज क्या करना है लूप, लूप के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड होगा इटरेटिव वेरिएबल आई प्लस इसके अंदर मैनेज क्या करोगे काउंट वेरिएबल सी, क्लियर सी का इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा जस्ट 0, सी के किस में इनिशियलाइजेशन किससे स्टार्ट हुआ 0, क्लियर नेक्स्ट टाइम सारे एलिमेंट्स 1 by 1 विजिट करने के लिए जस्ट यूज क्या करोगे फोर लूप, फोर लूप में आई के किस में स्टार्टिंग किस इंडेक्स से करेंगे फ्रॉम 0 इंडेक्स, कब तक चलाएंगे जस्ट n माइनस 1, देन मीन्स कंडीशन इज आई लेस देन n और आई लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग एवरी टाइम i प्लस प्लस, क्लियर मीन्स लूप के अंदर एवरी टाइम आपको जस्ट स्टेटमेंट क्या प्लेस करना है दैट वन, क्लियर इसका बिहेवियर मैं जस्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस प्लेस पर राइट क्या करोगे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वी आर कॉलिंग काउंट फंक्शन, देन एवरी टाइम आप काउंट किस क्लिक कराओगे करंट नंबर, और करंट नंबर किससे रिप्रेजेंट होगा ए ऑफ आई से, ए ऑफ आई जस्ट रिप्रेजेंट क्या करेगा 1 by 1 ऑल एलिमेंट ऑफ एरे ए, क्लियर ए क्या इसके इसमें पॉइंटर, नेक्स्ट फाइनली जब इस लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपने काउंट का सम किस में मैनेज किया वेरिएबल सी में, तो फाइनली रिटर्न क्या करा हुआ वैल्यू ऑफ सी, जब कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा इस प्लेस से रिटर्न क्या हुआ कॉलिंग प्लेस के लिए जस्ट वैल्यू ऑफ सी, इज इट क्लियर नेक्स्ट वन, अब आपको परफॉर्म क्या कराना है वन मोर फंक्शन इज काउंट, मीन्स किसी भी नंबर के डिजिट्स कैसे काउंट करते हैं सारे ऑपरेशन में ऑपरेटर्स के केसेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मीन्स जब मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एक्सप्लेन किए थे सेम टाइम पर डिस्कस किया था हाउ टू काउंटिंग डिजिट ऑफ गिवन नंबर, सेम प्रोग्राम मैंने इंप्लीमेंट कराया था ड्यूरिंग लूपिंग स्टेटमेंट ऑफ फंक्शंस, तो सेम लॉजिक अगेन मैं डायरेक्टली राइट डाउन कर रहा हूँ इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, काउंट फंक्शन से जस्ट रिटर्न क्या कराओगे नंबर ऑफ डिजिट्स, इसलिए रिटर्न टाइप क्या इंटीजर, फंक्शन नेम है काउंट, सप्लाई क्या हुआ इसके अंदर इंटीजर नंबर, ए ऑफ आई क्या है जस्ट नंबर, एवरी टाइम ए ऑफ आई का वैल्यू किस में आसान होगा नंबर में, देन डिजिट्स को काउंट करने के लिए जस्ट एक्स्ट्रा वैल्यू यूज करेंगे सम रिजल्ट वेरिएबल और रिजल्ट का इनिशियल वैल्यू क्या है जस्ट 0, इसके इसमें लूप यूज कर सकते हो व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0,
देन एवरी टाइम लूप के अंदर परफॉर्म क्या कराएंगे, आप व्हाइल भी यूज कर सकते हैं, व्हाइल के प्लेस पर फोर लूप भी यूज करना पॉसिबल है। इसके में जस्ट फोर लूप यूज कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग लेंथ। फोर लूप के अंदर वेरिएबल रिजल्ट में इनिशियलाइज क्या कराएंगे, रिजल्ट इक्वल्स टू जस्ट जीरो। लूप कब तक चलाओ, जब तक नंबर के अंदर वैल्यू कैसा है, ग्रेटर देन जीरो। एवरी टाइम परफॉर्म क्या कराओगे, नंबर के केस में नंबर का लास्ट डिजिट रिमूव कराएंगे, देयरफॉर वी आर यूजिंग नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाई टेन यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट। इसका मीनिंग क्या है, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाई टेन। नेक्स्ट वन, रिजल्ट में एवरी टाइम क्या साइन होगा, रिजल्ट इक्वल्स टू, सॉरी इस केस में आपको एवरी टाइम परफॉर्म क्या कराना है, एवरी टाइम रिजल्ट प्लस प्लस, या रिजल्ट के प्लेस पर रीडेबल नेम यूज कर सकते हैं समथिंग काउंट, और काउंट का इनिशियल वैल्यू क्या है, जस्ट जीरो। एवरी टाइम परफॉर्म क्या होगा, काउंट प्लस प्लस, चाहो तो आप काउंट प्लस प्लस भी इसी प्लेस पर राइट डाउन कर सकते हो, मीन सी प्लस प्लस। देन लूप को टर्मिनेट कैसे करा दो, सेमी कॉलन। देन जब कंट्रोल फाइनली लूप से बाहर आएगा, वेन एवर कंडीशन बिकम फॉल्स, देन आप रिटर्न क्या कराओ, रिटर्न वैल्यू ऑफ सी। क्लियर, इस टाइप के लॉजिक्स में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए इस करेंट लॉजिक के लिए मैं कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। मीन्स इस गिवन लॉजिक्स के थ्रू जस्ट सिंपल केस है, फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर का वैल्यू पास किया मैंने 435, अगर नंबर का वैल्यू किया 435, जब ये फंक्शन कॉल होगा इसके अंदर टू वेरिएबल्स मैंने जोड़ा, नंबर एंड वेरिएबल सी। नंबर का वैल्यू करेंटली क्या पास किया, 435, एंड सी का वैल्यू क्या है, जस्ट जीरो। इस फंक्शन से एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है नंबर के अकॉर्डिंग, नंबर के अंदर डिजिट्स कितने, 3, तो रिटर्न क्या होना चाहिए, 3। चेक करते हैं 3 रिटर्न होगा कि नहीं, फर्स्ट टाइम सी में इनिशियलाइज हो जाएगा जीरो। कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन क्या है, नंबर, नंबर का वैल्यू क्या 435 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू देन परफॉर्म क्या होगा, जस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म क्या, बॉडी एम्प्टी है, बॉडी के जस्ट बाद कंट्रोल का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, इसमें परफॉर्म क्या हो रहा है, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाई टेन, या इंटीजर डिवीजन परफॉर्म हो रहा है, इसलिए डिवीजन भी किसमें आएगा, इंटीजर्स के फॉर्म। नंबर क्या है 435, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इसके इसमें जस्ट डिवीजन क्या आएगा इसका 43, रिमाइंडर क्या आएगा इसके इसमें जस्ट 5। तो आप इस प्लेस पर ऑपरेटर रिटर्न क्या करेगा, डिवीजन विच इज 43 असाइन किस में हो जाएगा, अगेन नंबर, तो नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा 43। प्लस डिजिट काउंट होगा तो डिजिट्स के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या हो रहा है, सी प्लस प्लस, मीन्स फर्स्ट डिजिट आप रिमूव करा चुके प्लस उसको काउंट कर चुके हैं 1। इन दोनों के सीक्वेंस इंटरचेंज कर सकते हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, नेक्स्ट वन, अगेन कंडीशन टेस्ट होगा, नंबर का वैल्यू क्या 43 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन अगेन ट्रू, ट्रू है तो फिर से सेम ऑपरेशन, 43 जब 10 से डिवाइड करोगे तो इसके इसमें रिजल्ट क्या आएगा, जस्ट ओनली 4। 4 किस में आसान हो जाएगा नंबर में, तो नंबर का नेक्स्ट टाइम वैल्यू क्या है 4। देन सी प्लस प्लस होगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाए 2, मीन्स 2 डिजिट्स को काउंट करके रिमूव करा चुके हैं, प्लस काउंट का वैल्यू क्या है 2। नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्टिंग 4 ग्रेटर देन 0, नंबर का वैल्यू क्या है 4, कंडीशन ट्रू, 4 को जब 10 से डिवाइड करें तो इसके इसमें डिवीजन क्या आएगा 0.4 समथिंग, लेकिन इंटीजर डिवीजन इसलिए क्या आएगा 0, 0 किस में आसान हो जाएगा नंबर में, प्लस काउंट में इंक्रीमेंट होने से काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 3। कंडीशन टेस्ट करें, काउंट नंबर का वैल्यू क्या हो चुका है 0, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है इसलिए कंट्रोल करना है आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, और लूप के बॉडी पार्ट में, बॉडी के जस्ट आउटसाइड, बॉडी इसका एम्प्टी था, बॉडी के बाहर क्या स्टेटमेंट है डायरेक्टली रिटर्न सी, और जस्ट सी का वैल्यू क्या है 3, तो कॉलिंग प्लेस पर रिटर्न क्या हो जाएगा जस्ट 3। क्लियर, नेक्स्ट मीन्स फाइनली लॉजिक्स मैंने टू यूजर डिफाइंड फंक्शंस में सेपरेटली प्रोवाइड किए हैं जिससे आपके लिए इजीली समझना पॉसिबल हो। नेक्स्ट वन, लेकिन रियल में वो ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए वो इंप्लीमेंट क्या करोगे, मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन के अंदर मोस्ट ऑफ ऑपरेशंस कैसे हैं सेम एज प्रीवियस केस, मेन के रिस्पेक्ट में और किसी प्रोग्राम को क्रिएट करने के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट केस क्या रहता है, प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस, वेरिएबल डिक्लेरेशंस के रिस्पेक्ट में कितने वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगे, एरे ए, एरे को इटरेट कराने के लिए एलिमेंट वेरिएबल आई, प्लस साइज को मैनेज करने के लिए एन, प्लस काउंट वैल्यू स्टोर कराने के लिए काउंट और सी, लाइक दैट टोटल 4 वेरिएबल डिक्लेरेशंस रिक्वायर्ड है। ऑलरेडी मैंने राइट डाउन कर दिया जिससे आप इसे टाइम सेव करना पॉसिबल हो। देन नेक्स्ट वन, इसके बाद एरे का इनिशियली मैक्सिमम साइज क्या है 100, जैसे एरे कंटेनिंग 100 एलिमेंट, लेकिन लॉजिकली कितने एलिमेंट मैनेज करोगे 100 और n, n तो नेक्स्ट टाइम n का वैल्यू रीड करोगे, मीन्स नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है डिक्लेरेशंस के जस्ट बाद रीड ऑपरेशन, कितने एलिमेंट रीड हो रहा है इसके इसमें n, n मीन्स वैल्यू ऑफ n, अगर n का वैल्यू 5 है देन आपको एरे के लिए कितने एलिमेंट्स मैनेज करने की जरूरत होगी 5 एलिमेंट्स और n एलिमेंट, तो एरे के लिए एलिमेंट्स रीड करने के लिए अगेन मैंने लूप मैनेज किया, लूप के अंदर क्या स्कैनर फंक्शन, स्कैनर फंक्शन n टाइम एग्जीक्यूट हुआ तो एरे के लिए एलिमेंट्स भी कितने रीड होंगे n एलिमेंट्स। क्लियर, रीड ऑपरेशन के बाद जस्ट नेक्स्ट केस क्या रहता है, परफॉर्मिंग लॉजिक्स,
तो लॉजिक से हमें सेपरेटली डिवाइड किए हैं इनसाइड इन द फॉर्म ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। जस्ट एरे के डिजिट्स काउंट करने के लिए फंक्शन क्या प्रोवाइड किया, डिजिट काउंट। इस प्लेस पर जस्ट कॉल क्या कर लें, डिजिट काउंट। सप्लाई क्या हो रहा है, एरे और एरे साइज प्लस जो भी इस एरे के अंदर जितने भी नंबर्स हैं सभी नंबर्स के डिजिट्स काउंट होने के बाद असाइन किस में जाएंगे, इनसाइड वेरिएबल काउंट। दिस इज द लॉजिकल पार्ट। देन लास्ट केस क्या रहता है, जस्ट डिस्प्लेइंग रिजल्ट और आउटपुट। तो रिजल्ट करेंटली किस में स्टोर है, काउंट वेरिएबल। तो सिंपली डिस्प्ले क्या करा लिया, प्रिंट एप के थ्रू वैल्यू ऑफ काउंट। काउंट में अगर मीन इस पर्टिकुलर गिवन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग इससे 14 मीन 14 डिजिट्स हैं, प्लेस पर रिटर्न क्या हुआ होगा 14, काउंट का वैल्यू क्या 14, तो आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा ऑल्सो 14। क्लियर।